हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। कुछ बच्चों के सर पर बर्थ से ही बहुत कम बाल होते हैं और कुछ बच्चों के सर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है पता नहीं क्यों हमारे बच्चों के सर पर इतने कम बाल हैं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि बच्चे के सिर पर बाल बहुत कम हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कौन सा कंडीशनर यूज़ करना चाहिए या फिर कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स का कमेंट आता है कि बच्चे के सिर पे आगे तो बाल बहुत हैं बट पीछे की साइड में बाल बहुत कम हैं, या फिर बर्थ के टाइम पर तो बच्चे के सिर पे बहुत बाल थे और अब अचानक से बच्चे के बाल बहुत झड़ गए हैं और बच्चा गंजा लगने लगा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि अगर बच्चे की बालों की ग्रोथ कम है तो आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली 0 से लेकर 2 साल के बच्चों के लिए आपको क्या करना है और 2 साल से बड़े बच्चों के लिए आपको क्या करना है उनकी हेयर ग्रोथ अच्छी करने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों की बालों की ग्रोथ इतनी कम होती क्यों है। तो जिसका मेन रीज़न होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर या तो आपने प्रोटीन का इंटेक या कैल्शियम का इंटेक कम लिया है जिसकी वजह से बच्चों के हेयर ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, या फिर जो बच्चे प्री मेच्योर होते हैं उनकी भी हेयर ग्रोथ थोड़ी कम होती है, या फिर एक्चुअल जो हेयर ग्रोथ होगी वो हेरिडिटरी होती है, यानी आपके या आपके हस्बैंड की हेयर ग्रोथ जैसी होगी वैसे ही बच्चों की होती है। 0 से 6 मंथ पे हेयर लॉस बहुत कॉमन होता है। इतने छोटे बच्चों के बाल पैचेस की फॉर्म में भी हट जाते हैं। पैचेस की फॉर्म में हटने का मतलब है कि आपने देखा होगा किसी एक जगह से बच्चे के बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे जनरली एक पोजीशन पे ही लेटे रहते हैं जिससे सरफेस से उनके बाल रव होते हैं और वो टूट जाते हैं। 0 से 6 मंथ के बच्चों की स्कल्प भी बहुत सॉफ्ट होती है, इससे उनमें क्रेडल कैप बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से भी बच्चों के बाल बहुत झड़ते हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 2 साल से छोटे बच्चे के बाल बहुत झड़ते हैं और उनकी ग्रोथ भी कम होती है। 2 साल के बाद बच्चों की ग्रोथ अपने आप अच्छी हो जाती है, बाल स्ट्रांग हो जाते हैं, उनकी रूट स्ट्रांग हो जाती है जिसकी वजह से बाल झड़ते भी कम हैं। इसलिए आपको बच्चों की हेयर ग्रोथ के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नेचुरल तरीके से ही बच्चों के हेयर लॉस को कम कर सकते हैं और उनकी हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि बच्चों के सिर की मालिश आपको डेली करनी है और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ से बच्चे की मालिश नहीं करनी, सॉफ्टली बच्चे की मालिश करनी है जिससे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ने से भी बच्चों के बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए जो आप ऑयल यूज़ करें वो केमिकल फ्री होना चाहिए। जनरली बच्चों की मालिश करने के लिए आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ करिए गर्मी के मौसम में, और ठंड के मौसम में बादाम रोगन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादातर पेरेंट्स मानते हैं कि अगर बच्चे का जल्दी जल्दी हेड शेप करा दिया जाए तो हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, पर डॉक्टर्स इसे बिल्कुल नहीं मानते। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हेड शेप कराने से हेयर ग्रोथ का कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर अच्छी डाइट बच्चा लेता है तो उसकी हेयर ग्रोथ अपने आप अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि हेड शेप कराने से बच्चे की हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप 2 साल से पहले उसके लगभग 2 से 3 बार हेड शेप ज़रूर करा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 मंथ से बड़े बच्चों के आपको बाल कॉम करने चाहिए। हमें लगता है इतने छोटे बच्चे के ज़रा से तो बाल है, उसे क्या कॉम करें, बट कॉम करने से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हेयर लॉस कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैम्पू कंडीशनर या ऑयल जो भी आप बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं वो माइल्ड होना चाहिए, उसमें ज़्यादा केमिकल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के सिर पर आपको डेली शैम्पू या बॉडी वॉश नहीं लगाना है, इससे भी बच्चे के बाल ज़्यादा झड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे की डाइट पर बच्चे के हेयर की ग्रोथ और उसका हेयर लॉस डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं बच्चे के लॉन्ग टर्म में हेयर अच्छे रहें तो उसकी डाइट को अच्छा रखिए, जिससे बच्चे की बॉडी भी स्ट्रांग रहती है और उसके हेयर भी स्ट्रांग रहते हैं। इसलिए उसकी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, आयरन, ये सब चीज़ें शामिल करिए। इसके लिए आप बच्चे को गाजर खिला सकते हैं, पालक की प्यूरी दे सकते हैं, दूध अच्छे से पिलाइए, पनीर खिलाइए, दाल दीजिए, सोया दीजिए, लीफी वेजिटेबल बहुत अच्छे होते हैं बच्चे की हेयर ग्रोथ अच्छे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप बच्चे के लिए कोई भी कंडीशनर यूज़ मत करिए, नेचुरल कंडीशनर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, उसके सिर पर दही और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, इसलिए
बच्चों को डॉक्टर्स बचपन से ही विटामिन डी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बोन्स के लिए भी अच्छा होता है, बच्चों के दांत के लिए भी अच्छा होता है, साथ साथ बच्चों की हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप बच्चे की हेयर ग्रोथ कैसे अच्छी कर सकती हैं। तो उसमें सबसे अच्छा होता है कि आप जो बच्चे की हेड मसाज करती हैं तो वो भृंगराज तेल से कीजिए। भृंगराज तेल से आप वीक में 2 से 3 बार बच्चे के सिर की मालिश करिए तो आप देखेंगे कि बच्चे की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी नेचुरली। समय समय पे बच्चों के बालों को ट्रिम कराते रहिए जिससे भी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। नेक्स्ट है, जैसा कि पहले बताया, दही और मुल्तानी मिट्टी कंडीशनर के तौर पर आप यूज़ करिए, इससे भी बच्चों के बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।